हेलो दोस्तों, मैं आपका गुरु विराज गुप्ता आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नया ही टॉपिक। आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने विंडोज 10 के पीसी पे एक नया यूज़र अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और इस सीरीज़ में मैं बेसिक तरीके के अलावा कई और तरीके भी बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम अपने अपने कंप्यूटरों पे नए यूज़र अकाउंट्स बना सकते हैं, बेसिक सेटिंग्स के द्वारा, डॉस के द्वारा और लोकल ग्रुप पॉलिसीज के द्वारा। तो चलिए हम अपने टॉपिक में करते हैं एक नई मिस्ट्री रिवील। जुड़ जाइए हमारे वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा टेक्निकल चैनल जीनेट सलेमपुर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम दे सके आपको नए नोटिफिकेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने स्क्रीन पे देखिएगा, सबसे पहले हमें नया यूजर अकाउंट बनाने के लिए स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होता है, फिर हम सेटिंग बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सेटिंग बटन पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने विंडोज की सेटिंग्स का पैनल खुलता है। इसमें हमें जाना होता है अकाउंट्स पे। आप जैसे ही अकाउंट्स पे जाते हैं, आपके नीचे मिलता है एक ऑप्शन फैमिली एंड अदर यूजर्स, यहाँ आपको क्लिक करना होता है और ऐड समवन एल्स टू दी कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे आप। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, आपके देख रहे होंगे स्क्रीन पे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट आपसे एक नया मेल और आईडी मांग रहा है आउटलुक का, ताकि आप यूजर को ऐड कर सके। तो आप कहेंगे आई डोंट हैव दिस पर्सन साइन इन इन्फॉर्मेशन, और फिर जा करके आपके स्क्रीन पे जो एक नया विंडो खुलेगा जो आपसे उस यूजर के लिए बिना ईमेल आईडी वगैरह के यूजर अकाउंट बनाने के लिए परमिशन मांगेगा। देखिए, अभी हमें करना होगा ऐड अ यूजर विदाउट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपसे आपके माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज के लिए एक नए यूजर का नाम, तो मान लीजिए मैं इस पे लिखता हूँ यूजर 4, और इसके लिए अगर मुझे कोई पासवर्ड देना हो तो 1234 1234, और उसके बाद मैं इसे नेक्स्ट कर दूंगा। इसमें कुछ ऑप्शंस भी होता है, सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपको ऐसे ही देने होते हैं कि पेट का नेम क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 3, आप अपने हिसाब से क्वेश्चंस के आंसर देके इसे नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही आप करेंगे, आप देख सकते हैं कि आपके यूजर अकाउंट वाले पैनल में एक नया यूजर अकाउंट जुड़ गया है। तो दोस्तों, ये था कि हम विंडोज 10 पे किस तरह से अपना नया यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए मिस्ट्री के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।